हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12, थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री। इस चैप्टर में हम बेसिक थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे और एडवांस थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री वो हम प्लस टू में पढ़ेंगे। तो थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री आपके लिए नया टॉपिक है, लेकिन जो ज्योमेट्री वर्ड यहाँ पे है ये आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि आप प्रीवियस क्लास में ज्योमेट्री पढ़ते आ रहे हैं। आपने नाइन्थ क्लास में और एट्थ क्लास में सर्कल, ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटर के बारे में पढ़ा है, वो क्या है? टू डिमेंशनल ज्योमेट्री। अभी तक हम टू डिमेंशनल ज्योमेट्री हमने सीखा है कि अगर एक पॉइंट ए है और उस पॉइंट की हमने लोकेशन फाइंड करनी है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहाँ कोऑर्डिनेट में ये एक्स वाई प्लेन है, तो हम क्या करते हैं कि जो एक्स ए पॉइंट है उसकी दूरी हम नापते हैं वाई एक्सिस से और वो यहाँ पे है एक्स, और इसी प्रकार हम ए की दूरी मापेंगे एक्स एक्सिस से और वो कितनी है वाई। तो ये हम ए की लोकेशन इस प्रकार फाइंड करते हैं, ये आगे टू डिमेंशनल ज्योमेट्री जो आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री की। तो मैं यहाँ पे एक रूम ले रहा हूँ जिसमें थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में हम कंसेप्ट को समझेंगे। आपको पता है कि रूम में, यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो ये एक रूम है और इस रूम का ये मैं पॉइंट जो है इसे मैं इस पॉइंट को मैं ओरिजिन मान लेता हूँ, और ये जो ये वाली जो रूम की लेंथ या ब्रेथ है इसे मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, और ये जो रूम का ये सेकंड वॉल है ये क्या कॉर्नर, इसे मैं वाई एक्सिस मान लेता हूँ। ये अब तक आप पढ़ चुके हो, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे कंसेप्ट देखते हैं कि 3D का। मैं एक बॉल को बाउंस करवा रहा हूँ, जैसे बॉल बाउंस हुई तो ये हवा में जाकर खड़ी होगी। अब देखें, इससे पहले देखें कि अगर ये बॉल हवा में ना रुककर यहीं कहीं रुक जाती, ये इस लोकेशन पे सपोज करो यहाँ पे बॉल जो है वो आपकी रुक जाती, तो क्या आप इस बॉल की ग्राउंड पे पोजीशन फाइंड कर सकते थे? कर सकते हैं, क्योंकि आपने टू डिमेंशन में पढ़ा। आप क्या करेंगे, आप इस एक्स एक्सिस से इसकी दूरी नापेंगे और फिर इस बॉल की वाई एक्सिस से दूरी नापेंगे। तो ये जो पोजीशन है इस एक्स वाई एक्सिस प्लेन में आप फाइंड कर सकते हो। मैं मान के चलता हूँ कि ये 2 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो फिर इस बॉल की ग्राउंड पे क्या पोजीशन आ गई, 2.5, और ये क्या है, टू डिमेंशन जी आप जानते हैं। लेकिन अब यहाँ पे समस्या ये है कि जब बॉल आके हवा में खड़ी हो गई, हवा में खड़ी होने से क्या है कि इस दीवार से इसकी दूरी आप फाइंड कर चुके हैं 2 है, और इस दीवार से इसकी दूरी आप फाइंड कर चुके हैं 5 है, ठीक है? लेकिन अब क्योंकि बॉल ये ग्राउंड पे थी लेकिन ये हवा में है, अगर ये हवा में है तो इसके बीच में कोई दूरी होगी ग्राउंड से, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से ये कितनी हाइट पे है, तो यहाँ पे तीसरी डिमेंशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगी। टू डिमेंशन तो आप पहले जानते थे, लेकिन अब यहाँ पे तीसरा एक डिमेंशन यूज हो गया, इसकी हाइट जो है वो ग्राउंड से कितनी है। ये जो तीसरा है इसी को हम बोलते हैं जेड एक्सिस, और ये है आपका थर्ड एक्सिस, और यहाँ से अगर सपोज करो इसकी जो हाइट है वो है 3 सेंटीमीटर, तो अब इस बॉल की जो नई पोजीशन है इन 3D इन स्पेस है, जब 3D की बात करते हैं दैट इज स्पेस, तो वो आ गया 2.5 और 3, तो दिस इज 3D ज्योमेट्री, ठीक है जी? चलिए फिर आगे चलते हैं, ये देखें जी, ये मेरे पास एक एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्सिस जो है एक मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस लिए हुए हैं और इसे मैंने एक्सटेंड कर रहा हूँ। ये देखिए, चेंज कर लेते हैं, मैं इसके यहाँ पे ये इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ जी, और ये क्या बन गया जी एक्स डैश, और इसे मैं वाई को इस तरफ एक्सटेंड कर लेता हूँ, ये मेरे पास क्या बन जाएगा जी वाई डैश, और जेड को यहाँ पे एक्सटेंड कर लेता हूँ और ये बन गया मेरे पास जेड डैश। अब देखिए जी एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश वो क्या है एक्स एक्सिस,
वाई ओ वाई डैश आपका वाई एक्सिस होगा और जेड ओ जेड डैश आपका जेड एक्सिस होगा। इसे हम रेक्टेंगुलर एक्सिस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों एक्सिस हैं इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, सब में 90 के, इसमें 90, इसमें 90, तो इन ये है म्यूचुअली परपेंडिकुलर और इसे हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर एक्सिस। चलिए नेक्स्ट देखिए, कोऑर्डिनेट प्लेन, ये देखिए फिर से मैंने एक एक्स एक्स वाई जेड जो है एक यहाँ पे एक्सिस दी हुई ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। तो कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है, यहाँ देखिए एक्स ओ वाई प्लेन इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। यहाँ पे देखिए ये है एक्स, ये है ओ, ये है वाई, ये कौन सा प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, एक्स ओ जेड प्लेन उसे हम कहेंगे एक्स जेड प्लेन, ये एक्स ओ जेड और ये पोर्शन क्या आएगा एक्स जेड प्लेन। नेक्स्ट देखें जी वाई जेड प्लेन, एफ वाई ओ जेड कहाँ पे वाई, वाई ओ जेड और ये कौन सा प्लेन होगा वाई ओ जेड प्लेन और इन्हें हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, दे आर आल्सो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलिए अब हम ना 3D का थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे समझते हैं। ये देखिए ये मैंने एक वाई एक्सिस जेड एक्सिस और एक्सिस ली हुई है लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंड कर रखी है। तो इस तरह वाली जो एक्स एक्सिस जो तो ब्लैक में है ये होंगी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब आपने थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे, क्योंकि हम 3D की बात कर रहे हैं, ये पॉजिटिव ब्लैक वाली और ये जो व्हाइट वाली है एक्स की ओपोजिट, मतलब ये और है ना आपका ओरिजन, तो ये क्या आ जाएगा एक्स डैश और ये होगी नेगेटिव। यहाँ पे ये वाई डैश है, ये क्या होगी नेगेटिव और ये जेड डैश है और ये क्या होगी नेगेटिव। तो यहाँ पे देखें ये एक प्लेन है जो आपका एक्स एक्सिस पे है, ये आपका वाई एक्सिस पे है और ये आपका जेड एक्सिस पे है। ये कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा, यहाँ पे देखें ये हमने बात की जेड जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव मैंने कहा ना कि ये जो ब्लैक वाले यहाँ पे हैं ये क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये क्या है पॉजिटिव और ये इस एक्स की जो इस तरफ है ये भी एक्स है, ये एक्स डैश है, यहाँ पे एक्स डैश है और ये क्या होगा नेगेटिव क्योंकि ये इसके बैक साइड है, ये वाई है, इसके बैक साइड जो है ये वाई डैश है और ये नेगेटिव होगा, ये जेड डैश है, ये नेगेटिव होगा। तो ये इसका ओरिजिन है। अब देखें जी इसमें ये जो फिगर आपको दिख रही है इसमें कितने पोर्शन हैं, ये देखो वन पोर्शन, इसे लेते हैं हम ना एंटी क्लॉकवाइज देते हैं, ये वन पोर्शन, ये सेकंड पोर्शन, ये वाला जो बैक साइड में थर्ड पोर्शन, ये फोर्थ पोर्शन, मतलब ये दो मंजिला मकान की तरह है। ये ऊपर वाली मंजिल के मैंने सारे जो कंपार्टमेंट है वो ले लिए, फिर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ये फिफ्थ आ गया। इसकी जो बैक साइड है इस ब्लू वाली जो एक्सिस है इसके बैक साइड क्या होगा सिक्स और ये जो ब्लू के इस तरफ है यहाँ कहीं नीचे ये यहाँ पे देखिए अगर इमेजिनेशन करने पड़ेगी आपको, ये सेवन और ये फ्रंट में कितना आ गया एट। तो ये कितने पोर्शन बन गए, ये पोर्शन बन गया आपके एट। हालांकि जब हम एक्स टू डिमेंशन में बात करते थे यहाँ पे एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश यहाँ पे कितने पोर्शन बनते थे चार, एक दो तीन और चार और इन्हें हम क्या बोलते थे याद आपको, हम इनको बोलते थे क्वाड्रेंट, चलो थोड़ा सा गड़बड़ा देखना आपने क्वाड्रेंट, तो चार बन गए। अब यहाँ पे कितने बने, जब थ्री डिमेंशन बात होगी तो आपके जो पोर्शन बने वो कितने बने एट और इन एट पोर्शंस को हम क्या बोलते हैं ऑक्टेंट, क्या बोलते हैं जी ऑक्टेंट। अब हम ना इन ऑक्टेंट में किसी ऑब्जेक्ट की हम पोजीशन फाइंड करेंगे, ठीक है थोड़ा ध्यान से देखना आपने। चलिए ये मैंने एक चार्ट पहले यहाँ पे बना के रखा है, हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है जी। आप देखेंगे
इस तरफ है कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड और ये मैंने जो ऑक्टेंट हैं, ये एट ऑक्टेंट हैं, मैंने उनके नाम लिख लिया। आपको भी यहाँ ध्यान से देखने आपको भी पता चलेगा। तो हम सबसे पहले पहले ऑक्टेंट की बात करते हैं, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन। तो यहाँ जहाँ ब्लैक डार्क है ये आपका पॉजिटिव है, ये याद रखना, और जो इसके बैक साइड होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम ये अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई खड़ा है, मान लो ये आदमी कोई यहाँ पे खड़ा है, तो इसकी हमने पोजीशन फाइंड करनी है। तो इसकी पोजीशन कैसे फाइंड होगी, ये देखिए, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव और यहाँ पे ये वाई पॉजिटिव और यहाँ पे ये जेड एक्सिस, ये भी क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा यहाँ पे पहुंच गया और ये इसके बैक साइड है। अब बैक साइड में जहाँ ध्यान से देखो कि ये जो y है ये क्या है, पॉजिटिव, और z एक्सिस में z एक्सिस है, मतलब ये कौन सा प्लेन बनेगा, ये बनेगा y z x डैश, ये वाला x डैश o y z। मेरा कर्सर ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ये जो y पॉजिटिव, z भी आपका पॉजिटिव, लेकिन x आपका पीछे है तो वो क्या आएगा, नेगेटिव। थर्ड यहाँ पहुंच जाए आप इसके पीछे, ये यहाँ पे ये आ गया फर्स्ट सेकंड ये थर्ड। अब ये थर्ड में ध्यान से देखो, थर्ड में देखो ये जेड एक्सिस जो है ये ऊपर की तरफ है तो ये पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए ये जो है, यहाँ मेरा कर्सर ध्यान से देखिए, ये एक्स है, ये पॉजिटिव है और इसके बैक साइड क्या होगा, नेगेटिव। और यहाँ पे वाई है, देख रहे कर्सर, और ये y पॉजिटिव है और इसके बैक साइड जो ये वाली जो एक्सिस है, इस वाला पोर्शन, ये क्या होगा, नेगेटिव। और ये है x डैश o y डैश z। फोर्थ वन देखें, फोर्थ वन आपका आ गया यहाँ पे, ये पोजीशन आपकी आपकी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हमारा है तो इसकी क्या पोजीशन, x एक्सिस की क्या होगा, ये देखिए x एक्सिस क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव, y एक्सिस ये इस तरफ y है, ये y इस तरफ पॉजिटिव है, ये वाला क्या है, नेगेटिव है। ये देखो मैंने लिखा नेगेटिव, यहाँ पे y क्या आ गया, नेगेटिव, और z ऊपर जा रहा है तो ये पॉजिटिव। सिमिलरली अब आप आगे नीचे ये वाले रूम में, ये वाला आपका पोर्शन आ गया फिफ्थ ऑक्टेंट। फिफ्थ ऑक्टेंट में देखिए, यहाँ पे ये x पॉजिटिव और ये y पॉजिटिव, कर्सर दिख रहा है आपको, लेकिन z यहाँ पे नीचे की तरफ है तो ये नेगेटिव। तो यहाँ पे x पॉजिटिव, y पॉजिटिव और z क्या हो गया, नेगेटिव। इसका नाम क्या है, एक्स ओ वाई जेड डैश। यहाँ से अभी आप ना, मैं एक चीज़ और आपको हिंट देता हूँ, बाद में देखते हैं इसके बाद में। ये आगे नीचे वाला क्वेश्चन सिक्स वाला, ये अब सिक्स में क्या है, जो आदमी खड़ा है यहाँ पे उसकी पोजीशन क्या होगी, कि अगर वो इसमें है, इस वाले क्वेश्चन में सिक्स में, तो सिक्स में देखिए क्या है, इस तरफ x नेगेटिव बैक साइड में है ना जी, तो x यहाँ पे नेगेटिव और y यहाँ पे पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड में है, यहाँ पे पॉजिटिव है और z इसका नीचे की तरफ है, ये देखो नीचे की तरफ है z, तो ये क्या आ गया, नेगेटिव। अब आप देखें सेवंथ, जो इस वाले थर्ड वाले कंपार्टमेंट के नीचे है, यहाँ कहीं है, ये है सेवंथ पोजिशन, इसके बैक साइड बात कर रहा हूँ, आगे नहीं, फ्रंट में नहीं। तो बैक साइड में देखो x नेगेटिव, y नेगेटिव और z नेगेटिव, तीनों ही नेगेटिव। और ये एट्थ वन जो सबसे फ्रंट में है, अब फ्रंट में चेक करें, फ्रंट में क्या देखें, ये एक्स पॉजिटिव और यहाँ पे वाई नेगेटिव और यहाँ पे जेड नीचे की तरफ है, नेगेटिव। तो ये आपके जो है साइन है ऑक्टेंट में, डिफरेंट ऑक्टेंट में, किसी ऑब्जेक्ट जहाँ पे वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके साइन है कि आप उसको साइन कैसे लेंगे। यहाँ पे एक और तरीका है, ये देखो x o y z, अगर आप ऑक्टेंट के नाम पता है तो देखो कहीं पे डैश नहीं है, तीनों पॉजिटिव, यहाँ पे x डैश है तो x नेगेटिव, यहाँ पे x डैश और y डैश है तो दोनों नेगेटिव, x o y डैश है y नेगेटिव, z नेगेटिव, यहाँ पे डैश है नेगेटिव है, x z डैश है तो दोनों नेगेटिव है, यहाँ x y z तीनों डैश में है तो नेगेटिव है, तो y डैश z डैश दोनों नेगेटिव है। ठीक है, तो ये ऑक्टेंट के बारे में है, आप वो इसके ऊपर हो सकता है क्वेश्चन ना आए, लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए क्योंकि हम बेसिक पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, हमें कुछ फैक्ट्स जो याद रखने हैं।
पीछे हमने एक बॉल की एग्जांपल ली थी और हमने उसके जो है कोऑर्डिनेट फाइंड किए थे थ्री डिमेंशन में। यहाँ पे भी हम कुछ पॉइंट्स लेंगे और उनके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ले लेता हूँ ए, और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो स्मॉल ए है। एक पॉइंट वी ले लेता हूँ वाई एक्सिस पे, और इसका जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से वी है। ई पॉइंट ले लेता हूँ जेड एक्सिस पे, और इसका भी जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो सी है। तो हम यहाँ पे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेते हैं। अब ए पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? एक्स एक्सिस के ऊपर ना तो वाई के कोऑर्डिनेट आएंगे ना जेड के कोऑर्डिनेट आएंगे। तो यहाँ पे ए जो है पॉइंट है उसका ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो। सिमिलरली पॉइंट बी जो है वो है वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे सिर्फ आपको वाई के ही पॉइंट मिलेंगे, ना एक्स का मिलेगा ना जेड का मिलेगा। यहाँ पे क्या आ गया? जीरो कॉमा बी कॉमा जीरो। यहाँ पे सी है, तो सी के जो पॉइंट है वो जेड एक्सिस पे है, तो यहाँ पे एक्स जीरो वाई जीरो सी का पॉइंट कितना आ गया? सी। तो इस प्रकार आप एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स में ले सकते हैं। अब थोड़ा और पॉइंट लेते हैं हम, मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये देखिए जी, ये एक मैं 3D डायग्राम बनाऊँगा। ये इसके साथ मिला देता हूँ, ये आपके पास यहाँ पे इसके साथ ये A के साथ मिल जाएगा, इसे हम N का नाम लेते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे मिला देते हैं, फिर यहाँ पे ये थोड़ा सा डायग्राम ऐसे, और फाइनली सिम। ठीक है जी, तो ये मेरे पास एक 3D ऑब्जेक्ट बन गया है। क्या है ये? एक क्यूबॉइड है या क्यूब है। तो इनके पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट मैं P ले लेता हूँ, ये जो पॉइंट है इसे मैं M ले लेता हूँ, और इसे मैं पॉइंट R ले लेता हूँ। ठीक है, तो चले अब हम इन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट हैं उसे हम लिखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं P की। जो P है ये थ्री डिमेंशनल पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से ध्यान से देखो, ये जो P है ये एक्स वाई जेड प्लेन में है। इसके पॉइंट क्या आगे? एक्स वाले क्या आएंगे? ए वी और सी। एम पॉइंट जो है ये कौन से प्लेन में है? ये जी वाई ओ जेड, मतलब वाई जेड प्लेन है। ये कौन सा प्लेन है? वाई, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वाई जेड प्लेन है। ठीक है, ये वाला। तो इसके पॉइंट क्या आएंगे? यहाँ पे क्या आएगा? एक्स क्या आएगा? ज़ीरो। यहाँ पे आएगा ज़ीरो, और वाई यहाँ पे वी है, जेड यहाँ पे सी है। एन पॉइंट ये कौन से प्लेन में है? ये है जी एक्स जेड प्लेन में, और एक्स जेड प्लेन में वाई क्या होता है? ज़ीरो। तो क्या पॉइंट रहेंगे? एक्स पॉइंट क्या है? ए। बी पॉइंट यहाँ पे ज़ीरो, और जेड कितना है यहाँ पे? सी। सिमिलरली यहाँ पे आर है, आर कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में जेड के कोऑर्डिनेट जो है ज़ीरो होंगे, जेड के पॉइंट आपको ज़ीरो मिलेंगे। तो यहाँ पे एक्स कितना है? ए। वाई कितना? बी। और जेड कितना होगा? ज़ीरो। इस प्रकार आप जो है डिफरेंट पॉइंट्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन की आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पे वाई जेड प्लेन कौन है? ये वाई और ये जेड, ये पहले वाला, ये आपका वाई जेड प्लेन है। तो इसकी इक्वेशन क्या रहेगी? इसकी इक्वेशन आपकी रहेगी एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन। जेड एक्स प्लेन को ये जेड एक्स प्लेन है, तो इसकी क्या इक्वेशन रहेगी? वाई इक्वल टू जीरो। ये थर्ड है कौन सा? एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या रहेगी? जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो चले नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए जी पहला क्वेश्चन लेते हैं, ये पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, वट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट। चलिए हमने अभी पीछे किया भी किया मैंने, ये देखे ये है एक्स वाई जेड। इसने क्या किया? ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर हमें पॉइंट लेना है। तो वट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट, इस एक्सिस पे वाई क्या होगा जी? जीरो। जेड क्या होगा जी?
जीरो, क्योंकि यहाँ पे इस एक्सिस में ना तो वाई के कोऑर्डिनेट मिलेंगे ना ही आपको जेड के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखें। ये पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट, क्या बोल रहा है? एक्स वाई जेड, ये पॉइंट इन एक्स जेड प्लेन, कहां एक्स जेड प्लेन? ये है एक्स जेड प्लेन आपका, ठीक है, ये एक्स जेड प्लेन आपका। तो कहता है व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट, यहां पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पोर्शन में? कोई पॉइंट ले लो, हमने पॉइंट लिया था यहां पे, ये पॉइंट लिया, यहां पे क्या होगा? एक्स की वैल्यू आएगी, आएगी, वाई की वैल्यू आएगी, नो यहां पे वाई नहीं है और उसकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो, और जेड की वैल्यू आएगी। मतलब जो प्लेन आपके पास होगा, अगर एक्स जेड प्लेन है तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक्स और जेड की वैल्यू मिलेगी, अगर वाई जेड है आपके पास तो यहाँ पे एक्स जीरो हो जाएगा, जेड एक्स है तो यहाँ पे आपका वाई जीरो हो जाएगा, यहाँ पे वाई जीरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चले जी। क्वेश्चन क्या है, नेम द ऑक्टेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट लाई, हमने ये जो पॉइंट हमें गिवन है, थ्री डिमेंशनल पॉइंट हमें गिवन है, हमने इसकी ऑक्टेंट फाइंड करनी है, कौन कौन से ऑक्टेंट में ये यहाँ पे लाई कर रहे हैं। तो हमने वो जो पीछे स्ट्रक्चर बनाया था उसी को हम यहाँ पे पहले ले लेते हैं, फिर हम यहाँ से ये बात करते हैं। तो यहाँ पे तो पहला कोऑर्डिनेट क्या, वन टू थ्री, ठीक है, यहाँ पे एक वहाँ पे जो हमने किया था तो हमने इसे हमने क्या लिया था, जेड, उसी को ले लेते हैं जो हमने वहाँ पे लिया था, और इसे हमने क्या लिया था, हमने लिया था वाई, और इसे हमने क्या लिया था, एक्स। ठीक है, क्योंकि आपने पीछे किया तो वही आपके पास यहाँ पे फिर आइडिया रहेगा। तो वन टू थ्री, तो हमने ये वाई पॉजिटिव है, मैंने कहा इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ वाई नेगेटिव, यहाँ पे जेड नेगेटिव और इस तरफ एक्स नेगेटिव। ठीक है, तो वन टू थ्री पहला क्वाड्रेंट देखें, वन भी पॉजिटिव, टू भी पॉजिटिव, थ्री मतलब एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव। ये देखो एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव मेरा कल से दिख रहा, और जेड पॉजिटिव, तो ये हमारा पहला पोर्शन यहाँ पे हुआ, फर्स्ट ऑक्टेंट। सेकेंड पॉइंट देखें, फोर माइनस टू कॉमा थ्री इज इक्वल टू, हाँ जी एक्स पॉजिटिव, तो ये एक्स पॉजिटिव, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा यहाँ पे, कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ जी वाई नेगेटिव, ये वाई नेगेटिव इस तरफ और जेड पॉजिटिव ऊपर, तो आपके पास आया ये, ये और ये, तो कौन सा जी ये आपके पास क्वेश्चन है, ये आपके पास है, ये कौन सा था, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये क्या था, फोर्थ वन। थर्ड देखें जी, फोर माइनस टू माइनस फाइव, ठीक है, यहाँ देखें एक्स पॉजिटिव, ये जी फर्स्ट एक्स पॉजिटिव, मेरा कर्सर दिख रहा है, वाई नेगेटिव, ये इस तरफ वाई नेगेटिव, और जेड नेगेटिव नीचे, तो ये और ये नीचे, तो ये कौन सा पोर्शन हो, ये वाला, ये कौन सा ऑक्टेंट है, फिफ्थ, ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और ये फिफ्थ नहीं, ये एट्थ है, सॉरी ये कौन सा है, इसे हम बोलेंगे एट्थ, एट्थ है ये आपका, ये एट्थ, तो वन टू थ्री फोर्थ है, फोर टू माइनस फाइव। चलिए, तो एक्स पॉजिटिव, ये एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, ये वाई पॉजिटिव, और जेड नेगेटिव, ये नीचे, तो ये वाला पोर्शन हुआ, ये कौन सा है, फिफ्थ। चलिए नेक्स्ट, फोर माइनस फोर कोमा टू माइनस फाइव, यानी माइनस फोर दैट इज एक्स नेगेटिव, तो ये बैक साइड, ये एक्स नेगेटिव, और वाई टू है पॉजिटिव, पॉजिटिव ये आ गया, और जेड नेगेटिव, तो नीचे, तो फिर ये वाला पोर्शन हुआ नीचे वाला, तो ये कौन सा है, सिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास बचा है माइनस थ्री माइनस वन, नहीं ये मेरे पास माइनस फोर, माइनस फोर टू माइनस फाइव, ये बचे अभी माइनस फोर, अभी बचा माइनस फोर टू कॉमा फाइव, तो माइनस फोर टू कॉमा फाइव,
एक्शन एक्टिव जी, ये बैक साइड है एक्शन एक्टिव, वाई पॉजिटिव ये वाई पॉजिटिव और जेड पॉजिटिव ऊपर, कौन सा पोर्शन होगा? फिर से देखें, एक्शन एक्टिव ये वाला एक्शन एक्टिव, वाई पॉजिटिव ये वाला और जेड पॉजिटिव ये ऊपर वाला, तो ये वाला आपका पोर्शन बचा, तो ये कौन सा है? ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है -3 -1 6, -3 एक्शन एक्टिव, तो ये बैक साइड एक्शन एक्टिव, मेरा कर्सर दिख रहा है एक्शन एक्टिव, वाई नेगेटिव ये वाई नेगेटिव, किस तरफ? ये वाई नेगेटिव, ये वाला पोर्शन जा रहा है एक्शन एक्टिव, वाई नेगेटिव, अब जहां तो ऊपर या नीचे वाला थर्ड गया, जेड पॉजिटिव तो ऊपर ही था, तो ये वाला पोर्शन हुआ ये दिस वन, ये आ गई 1 2 और ये कितना है 3, यहाँ पे आ गया 1 2 3, थर्ड ऑप्शन आ गया। लास्ट वन क्या है? -2 -4 -7, ठीक है, तो तीनों नेगेटिव हैं। ये देखिए एक्स यहाँ पे पॉजिटिव, ये एक्शन एक्टिव, वाई नेगेटिव और जेड नेगेटिव, तो ये नीचे वाला पोर्शन होता है, इसके पीछे यहाँ, ये थर्ड के नीचे, थर्ड के नीचे कौन सा है? ये बन गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और नीचे कौन सा आया? सातवां। तो ये आपके ये ऑप्टेंट हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। तो आप बड़ी अच्छे तरीके से डिस्टेंस फार्मूला के बारे में जानते हैं, क्योंकि अभी आपने टू डिमेंशनल ज्योमेट्री में आपने डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फाइंड किया है, या नहीं? यहाँ पे आपने क्या किया था? दो पॉइंट थे ऐसे करके, ये एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे करके था आपके पास, तो ये दो पॉइंट थे, एक ये पी है, ये क्यू है, इसके कोऑर्डिनेट आपको दिए थे x1 y1 और इसके दिए थे x2 y2, आपने इनके बीच में डिस्टेंस क्या फाइंड किया था? ये किया था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और सबका अंडर रूट, और पी को यहाँ पे मॉड में आया क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। अब यहाँ पे क्या थोड़ा सा चेंजेस आया, यहाँ पे क्योंकि थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री हो रही बात हो रही है, तो आपके पास यहाँ एक्स वाई दो कोऑर्डिनेट थे, लेकिन यहाँ पे थर्ड कोऑर्डिनेट यहाँ पे जेड आ गया, बस हमने क्या कर रहे हैं, जो थर्ड पॉइंट हमारा z1 और z2 यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा, z2 - z1 का होल स्क्वायर, बाकी सेम रहा। ध्यान से देखें आप, ये जो दोनों हैं ये सेम है, फर्क है कि यहाँ पे z2 - z1 का होल स्क्वायर जो है वो यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मैं यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है पी, इसके कोऑर्डिनेट हैं 2 3 5, और एक पॉइंट क्यू ले लेते हैं जिसके पॉइंट हैं कोऑर्डिनेट है 4 3 1, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या आ जाएगा? चलिए यहाँ पे यही कर लेते हैं, ये आपके पास आ गया जी अंडर रूट, हाँ जी x2 यहाँ पे कितना 4, तो 4 - 2, x1 कितना आगे प्लस, y2 कितना है 3, और यहाँ पे y2 कितना है, सॉरी y1 कितना है, वो भी 3 होल स्क्वायर, प्लस आगे देखिए जी z2 कितना है 1 और -z1 कितना है 5, तो होल स्क्वायर आ गए, ठीक है। तो कर ले सॉल्व, 4 - 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 में से 3 के 0, 1 में से -5 -4, तो -4 का आपने होल स्क्वायर करना है, तो प्लस 16 कितना आ गया 20, 20 को आगे फैक्टर कर सकते हैं, तो 2 √5 यूनिट्स ये आपका डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी हम करेंगे, दैट्स ऑल।